हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे और आप सबको मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो है एकदम मॉर्निंग का टाइम है और अभी जो है दूध गाय का निकालने वाले हैं, तो बच्चा दूध पी रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है जब गाय का बच्चा या कोई भी सभी बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो है खा रहा है एक मेरा जो है छोटा वाला गाय, और यहाँ पर देखिए ये सुबह सुबह का टाइम है और कौआ जो है आ चुका है, तो हम सब कौआ बोलते हैं इसे। और मेरा जो है अभी दूध निकल रहा है और सुबह सुबह दूध निकाला गया, दूध जो अपने घर का होता है बहुत ही अच्छा होता है। और चाय भी यही जो है उसके बाद बनाएंगे। वैसे तो सुबह रात का दूध हम रखते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता हमें, ताज़ा दूध का जो होता है चाय वो बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी जो है सुबह दूध निकाल रहे हैं और अभी 6:30 का टाइम है। तो अभी आजकल तो 6:30 बजे का टाइम तो एकदम सुबह का ही होता है क्योंकि सर्दी का मौसम है। और ये जो है गाजर निकाल रही है, तो गाजर जो है वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया गाजर का, तो निकाल के धो के रखेगी। उसके बाद जो है गाजर का हलवा खाने का मन था, तो हलवा खाने के लिए तो मैं जो यहाँ घी डालकर गाजर को घस ली थी, पहले से घस के रखी हुई थी कद्दूकस पे, और फिर इसको जो है भून के घी में और फिर दूध डाल दी हूँ। तो दूध जो है तेज आँच में गाढ़ा होगा तो ये तो जल्दी से जो है सीज भी जाएगा, पक भी जाएगा, और उसके बाद दूध जो है गाढ़ा हो जाएगा तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और मीठा तो बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद है मेरी बेटी को भी, बेटा को भी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को इतना पसंद है, वो सूजी का हलवा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब देखिए दूध गाढ़ा होने वाला है और हमारा जो है गाजर का हलवा तैयार हो चुका है और गर्म गर्म जो हलवा है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा सारा काम हो गया है लेकिन किचन जो है सारे काम खाना पीना बनने के बाद जो है किचन क्लीन करना एक अलग से काम रह जाता है। और पूरा जो है हम काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है और क्लीन कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और बिना क्लीन किए तो रूम इतना गंदा हो जाता है कि सारा काम उतना होता है जो पूरे सुबह से, तो किचन में ही ज़्यादा काम होता है। और काम करने के बाद जो है सफाई करना ज़रूरी हो जाता है, चूल्हा और जो स्लैब जो ऊपर हमने जो काम करते हैं और नीचे हर जगह और बहुत सारा जो है बर्तन और जगह ये सारे साफ़ करने में टाइम भी लग जाता है। तो मैं जो है किचन साफ़ कर लेती हूँ। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मेरा वीडियो जो है आपको कैसा लगा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमने जो है बर्तन सबसे पहले बर्तन साफ़ कर ली थी और बर्तन जो है बड़ा वाला नीचे रख दी हूँ और जो थोड़ा छोटा था तो वो सारे जो है बर्तन स्टैंड में रखा हुआ है। और पानी जो है उसमें मैं थोड़ा सा पानी भी रह जाता है तो सारे को अच्छे से मैं नीचे गाड़ के फिर रखी हूँ क्योंकि वहाँ पे गिर जाता है तो दाग जैसा हो जाता है या बर्तन में रह जाता है तो दाग जैसा हो जाता है पानी का भी। तो नीचे जो है मैं पोछा लगा लेती हूँ, तो नीचे जो है क्लीन कर लूँगी तो ऊपर नीचे तो मेरा जो है जल्दी काम भी हो जाएगा और छोटा सा ही घर है जल्दी हो जाएगा। और ये आंटी जी जो है बिलपत्र तोड़ रही हैं, तो यहाँ जो है भोले बाबा का पार्थिव पूजा भी होता है गांव में, कोई साल में करवाते हैं दो चार बार और कोई महीने में ही करवाते हैं। तो यहाँ से बिलपत्र भी तोड़ते हैं जो नज़दीकी लोग हैं, तो ये बिलपत्र तोड़ रही हैं तो अच्छा लगता है। पूजा पाठ जो हो जाता है घर में तो
तो आप ये बेल भी यहाँ पर जो है लगा हुआ है तो छोटा छोटा। तो अगले वीडियो में आप सबसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।